अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फैसल और आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ शाओमी रेडमी 9 के बारे में, जो कि 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ एक नया मॉडल लॉन्च कर दिया है पाकिस्तान में। काफ़ी कमाल की स्पेसिफिकेशन के साथ प्राइस भी काफ़ी अच्छी रखी गई है स्मार्टफोन की। तो दोस्तों, प्राइस की अगर बात करें तो 21,499 रुपये में ये स्मार्टफोन पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया गया है। और स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो 6.53 इंचेस की IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी 1080p की रेजोल्यूशन के साथ, यानी कि फुल HD डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाएगा इस स्मार्टफोन में, जो कि इससे पहले कोई भी ब्रांड हमें फुल HD डिस्प्ले देता नहीं है। अमूमन इस प्राइस टैग में, 30 से ऊपर की प्राइस टैग में हमें जो है ना फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पे हमें फुल HD डिस्प्ले मिल रहा है। और अगर बात करें स्मार्टफोन की एंड्रॉयड की, तो हमें स्मार्टफोन में एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट मिल जाएगा और उसके साथ MIUI जो है ना 12 देखने को मिल जाएगा। और वेट की अगर बात करें तो 198 ग्राम जो है ना इसका वेट है। अगर चिपसेट की बात करें तो इस स्मार्टफोन में हमें MediaTek का हीलियो G80 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा चिपसेट है और गेमिंग के हवाले से भी अच्छा चिपसेट है और काफ़ी अच्छा चिपसेट है। और इस प्राइस टैग में हमें ये चिपसेट भी कोई भी ब्रांड नहीं देता, तो यहाँ पे तबाही किस्म की जो है ना परफॉर्मेंस मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इस प्राइस टैग में गेमिंग के हवाले से काफ़ी अच्छा चिपसेट है। और इससे पहले Realme C3 में हमें ये जो है ना G70 का चिपसेट देखने को मिला था, तो यहाँ पे Realme C3 को भी अब यहाँ पे जो है ना पीछे छोड़ दिया है। और फुल HD डिस्प्ले के साथ हमें यहाँ पे फुल जो है ना अच्छा यहाँ पे जो है ना गेमिंग परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाएगा। और कैमरास की अगर बात करें तो बैक साइड में हमें क्वाड कैमरा देखने को मिल जाएगा, 13 MP का प्राइमरी कैमरा, उसके साथ 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 5 MP का माइक्रो सेंसर और 2 MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कैमरा के हवाले से भी काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। और बैक साइड पे हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा और फ्रंट साइड पे हमें वाटर ड्रॉप नॉच में 8 MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो कैमरा के हवाले से भी काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। और अगर बात करें बैटरी की, तो 5020 mAh की बड़ी बैटरी और उसके साथ 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और क्या चाहिए, काफ़ी तबाही किस्म का स्मार्टफोन है। यहाँ पे सारी चीज़ें हमें अच्छी दी जा रही हैं और प्राइस भी यहाँ पे जो है ना मुनासिब रखी गई है स्मार्टफोन की। तो इससे पहले ये स्मार्टफोन जो है ना आप लोगों को 464 की वेरिएंट में देखने को मिला था 27,000 की प्राइस टैग में, तो इसका नया वेरिएंट यहाँ पे लॉन्च किया है, तो काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन हमें यहाँ पे मिल रही है। तो ये स्मार्टफोन 100% हमारे लिए वैल्यू फॉर मनी है और मैं आप लोगों को ये स्मार्टफोन रिकमेंड करूँगा। इन्फिनिक्स नोट 7 से भी ये स्मार्टफोन अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर हमें फुल HD डिस्प्ले और जो है ना यहाँ पर फास्ट चार्जिंग तो इन्फिनिक्स नोट 7 भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें अच्छी स्पेसिफिकेशन स्मार्टफोन में ज़्यादा मिल रही हैं। तो ये स्मार्टफोन प्राइस के हवाले से भी अच्छा है, डिस्प्ले के हवाले से भी अच्छा है, चिपसेट के हवाले से भी अच्छा है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं स्मार्टफोन में। तो मैं ये स्मार्टफोन आप लोगों को 100% रिकमेंड करूँगा और ये स्मार्टफोन हमारे लिए वैल्यू फॉर मनी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान ऑलवेज़ जिंदाबाद।